हरे कृष्णा सही बच्चों को। बच्चों एचआरडी मिनिस्ट्री प्लान कर रही है स्कूल रीओपनिंग के ऊपर। मुझे पता है कि आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि हमारे स्कूल कब से खुलेंगे, हम कब स्कूल से जाएंगे। तो कंप्लीट डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ स्कूल रीओपनिंग के प्लान के ऊपर, जो कि अपडेट आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ये हमारे पास अपडेट आया है, इससे मैंने यहाँ पे अपडेट लिया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बच्चों स्टेट वाइज स्कूल ओपनिंग की जो प्लानिंग की जो डेट हमारे पास थी उसकी वीडियो हमने पहले ही बना रखी है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। बट अभी हमारे पास अपडेट ये आ रहा है कि सारे स्टेट में, पूरे होल इंडिया में जो स्कूल रीओपन हो सकते हैं वो हमारे पास आ रहा है इन अ मंथ ऑफ सितंबर। बच्चों स्कूल रीओपनिंग की कोई फिक्स डेट अभी तक नहीं आई है, बट एचआरडी मिनिस्ट्री प्लान कर रही है कि सितंबर में पूरे इंडिया में स्कूलों को खोला जा सके। अब यहां पे जो स्कूल खुलेंगे वो तीन फेज में खुलने वाले हैं। फर्स्ट फेज में हमारे पास, बच्चों ध्यान से सुनना, फर्स्ट फेज में हमारे पास क्लास 10th क्लास 12th जो कि बोर्ड के हमारे पास क्लासेस होती हैं, पहले उनको बुलाया जाएगा फर्स्ट फेज में। उसके 15 से 20 दिन के बाद सेकंड फेज हमारे पास स्टार्ट होने वाला है। सेकंड फेज में क्लास 8th क्लास 9th क्लास 11th इन तीन क्लास को बुलाया जाएगा। और लास्ट फेज, थर्ड फेज हमारे पास होने वाला है प्राइमरी वाला, फर्स्ट से लेकर 7th क्लास तक का बच्चों को बुलाया जा सकता है। जो सितंबर में स्कूल खोले गए तो कुछ कंडीशन के साथ खोले जाएंगे। पहला कंडीशन हमारे पास है फ्यू डेज इन अ वीक, वीक में कुछ दिन ही बुलाया जाएगा स्कूल में आप सभी को, पूरे दिन। मतलब अगर हम देखें कि मंडे से लेकर सैटरडे या फिर मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको नहीं बुलाया जाएगा, दो या तीन दिन ही आपको बुलाया जा सकता है स्कूल में। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आ रही है कटिंग स्कूल आर, आपका जो स्कूल का टाइमिंग था उसको भी कट डाउन करके दो शिफ्ट में किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूसिंग क्लास साइज, आपके जो क्लास की जो स्ट्रेंथ थी उसको भी हाफ कर दिया जा सकता है, या फिर 40-30% आपकी क्लास स्ट्रेंथ होने वाली है एट अ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्ट सिस्टम, बच्चों आपके जो स्कूल होने वाला है अब वो शिफ्ट के सिस्टम में चलेगा। शिफ्ट सिस्टम में अभी तक हमारे पास कोई पर्टिकुलर डिटेल, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल नहीं आई है। हो सकता है कि आपका जो स्कूल की टाइमिंग थी 2 बजे तक, उसको दो शिफ्ट में चलाया जा सके, स्कूल ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें हाइब्रिड ऑफलाइन ऑनलाइन लर्निंग, बच्चों यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिड अप्रोच रखने वाली है स्कूल। हाइब्रिड हमारे पास क्या हो सकता है, तो 3 दिन आपकी ऑनलाइन क्लास आपको घर से पढ़ाया जाए और 2 दिन आपके हो सकते हैं कि आपको ऑफलाइन स्कूल में बुलाया जा सके। ऐसे हमारे पास अपडेट निकल के आ रही है। बच्चों सरकार अभी सिर्फ प्लानिंग कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सितंबर में स्कूल खोल ही दिए जाएंगे। पहले पूरा निरीक्षण किया जाएगा कि कंडीशन कैसी है एरिया में। अगर हमारे पास जो एरिया, कोई पर्टिकुलर जो स्टेट है वहां पे कोरोना केसेस रुक चुके हैं, अब नहीं फैल रहे, तो उस केस में सितंबर में आपके स्टेट में स्कूल खोले जा सके या फिर खोल दिए जाएंगे। बच्चों कंपार्टमेंट वाले बच्चों के एग्जाम भी सितंबर में स्कूल कंडक्ट कराने वाली है। अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस, क्या हमारे पास गवर्नमेंट किस प्लान के साथ हमारे पास आती है और बच्चे की जो पढ़ाई है वो वापस बैक टू ट्रैक आ पाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले, ऐसी अपडेट के लिए चैनल कर लो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए हरे कृष्ण बच्चों।